नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म में आपको स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा वोटर कार्ड वेरिफिकेशन कैसे होता है। क्रोम में nvsp.in लिखने के बाद एंटर देने से ये पेज ओपन होगा। पहले आपको रजिस्टर करना है। अगर आप रजिस्टर्ड है तो लॉगिन कीजिए, और नहीं रजिस्टर्ड है तो पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको डोंट हैव अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना है, रजिस्टर एज ए न्यू यूजर। यहाँ पे मोबाइल नंबर आता है, मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी कीजिए। आपको मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे इनपुट कीजिए। और नीचे दो ऑप्शन है, आई हैव एपिक नंबर मतलब वोटर कार्ड नंबर, और आई डोंट हैव एपिक नंबर। आप वोटर कार्ड वेरीफिकेशन कर रहे हैं इसीलिए आई हैव एपिक नंबर में ही क्लिक कर डिफ़ॉल्ट क्लिक रहता है। वहाँ उसके बाद आप अपना एपिक नंबर दीजिए और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डाल के रजिस्टर कीजिए। तो मेरा पहले से रजिस्टर है इसीलिए मैं ये प्रोसेस दिखा के अभी मैं दिखा रहा हूँ लॉगिन कैसे होता है, लॉगिन के बाद वेरिफिकेशन कैसे होता है। यूजर नेम होगा आपका मोबाइल नंबर और वोटर कार्ड नंबर। तो आप कोई भी एक डाल के पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद कैप्चा कीजिए, लॉगिन हो गया। ये स्क्रीन के बाएं तरफ है फ्रेश एनरोलमेंट माइग्रेशन करेक्शन एंड डिलीटेशन। ये चारों में से जो तीन नंबर है करेक्शन, ये करेक्शन में क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है जो आप करेक्शन कर लेते हैं, करेक्शन कर पाएंगे आप। और वेरिफिकेशन कैसे होता है, कलेक्शन प्रोसेस भी मैं दिखाऊंगा बीच में। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रल वेरिफिकेशन प्रोग्राम में क्लिक कीजिए। हाँ, यहाँ पे आता है वेरीफाई सेल्फ डिटेल्स फैमिली लिस्टिंग। यहाँ पे वेरीफाई सेल्फ डिटेल्स दीजिए, पहले लॉगिन रजिस्टर करने के तब अपना वोटर कार्ड नंबर डाले थे इसलिए अपना ऑटोमेटिक ले लिया है। अब आप देख लीजिए आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे सही है या नहीं है। अगर सही है तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने बोलता है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या बैंक डिटेल्स, और यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके पास आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो डिटेल्स दिख रहा है या अगर गलत लगता है तो आपको दूसरा ऑप्शन में क्लिक करके नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है इसीलिए मैं करेक्ट ऑप्शन में क्लिक करके मैं सारा प्रोसेस को आगे ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो JPEG फाइल वो 2 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं होगा। JPEG फाइल 2 MB से कम आपको तैयार करना है। यहाँ पे डेट के घर में डेट दे दीजिए, और डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, बहुत पहले का जो वोटर कार्ड है वहाँ पे डेट नहीं रहता है इसलिए डेट डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करता हूँ, पैन कार्ड देता हूँ, पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ, और चूज फाइल करके अपना JPEG पैन कार्ड मैं अपलोड करता हूँ। उसके बाद सबमिट। ये मेरा सारा डॉक्यूमेंट, ये जो वोटर कार्ड लिस्टिंग में मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स करेक्ट था इसीलिए मैं ये प्रोसेस अप्लाई किया हूँ। अगर मेरा गलत रहता तो मैं क्या प्रोसेस अप्लाई करूँगा मैं बाद में दिखाऊँगा। अब मेरा अपना डिटेल्स यहाँ पे भर चुका हूँ। अपना डिटेल्स मतलब एक फैमिली ट्री बनाना पड़ता है। जो अप्लाई करेगा उसका फादर मदर वाइफ सॉन डॉटर, ये फैमिली लिस्टिंग में ये प्रोसेस में आना है। यहाँ पे एपिक नंबर डालना है और ऐड टू फैमिली करना है। यहाँ पे आप डाल दीजिए। यहाँ पे रिलेशन टाइप में आप सारा डिटेल्स देख पाएंगे, फादर मदर वाइफ सॉन डॉटर ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर। ये वाइफ आपके साथ है या नहीं है, ये दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्शन करके ऐड मेंबर कर लीजिए।
पहले क्या करना है आपको, सारे जितना भी मेंबर है सबको ऐड करना है। यहाँ पे देखिए ब्रदर होगा लेकिन ब्रदर का वाइफ नहीं होगा, तो फैमिली ट्री ऐसा आपको तैयार करना है, मतलब जो अप्लाई करेगा उसका फादर होगा, मदर होगा, वाइफ होगा, सन होगा, डॉटर होगा, और ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। तो पहले फैमिली तैयार करना होगा, और फैमिली जब कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे यस करके सबमिट कीजिए। जब फैमिली तैयार हो चुका है, और फैमिली जब तक तैयार नहीं होता तब तक यस मत कीजिए, हो गया। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको जाना है, नीचे क्लिक हेयर कीजिए, क्लिक हेयर में क्लिक करने से वेरिफिकेशन प्रोसेस में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब वेरिफिकेशन आ चुका है, अपना डिटेल्स तो पहले ही मैं भर दिया हूँ, जो मैंने एप्लीकेंट जो डिटेल्स है पहले ही मैं भर दिया हूँ, और फैमिली का डिटेल्स यहाँ पे अभी भरना है। यहाँ पे देख लेता हूँ ये सारा डिटेल्स सही है, अगर नहीं, अगर गलत है तो यहाँ पे चेंज करने के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। अब चेंज करने के लिए जो पेज है वो पेज ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पे देखना है डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है, या नेम स्पेलिंग को चेंज करना है, या रिलेटिव का नेम चेंज करना, क्या चेंज करना है यहाँ पे देख लीजिए। नहीं, मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेता हूँ, जो जिसमें चेंज करना है उसमें क्लिक कर कीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे एक उसका ऑप्शन आ जाता है। अगर किसी भी तरह अगर सर्वर प्रॉब्लम से अगर ये पेज ओपन नहीं होता है, या देखिए नेम ऑफ रिलेटिव भी हम चेंज करेंगे, इसे रिलेटिव का नेम भी मैं डाल रहा हूँ, या देखेंगे आपको दो चीज़ भरना है, ऐसे एक इंग्लिश में भरना है या एक लोकल लैंग्वेज में भरना है, दोनों में भरना है। यहाँ पे जो प्रूफ मांगता है आपको प्रूफ दे दीजिए, ऐसे मैं पैन कार्ड दे रहा हूँ। या फिर ये जो आप करेक्शन कर रहे हो वो करेक्शन डिटेल्स वो उस डॉक्यूमेंट्स में रहना चाहिए। अब प्लेस दे के मैं व्यूज एप्लीकेशन प्रीव्यू करूँगा, व्यू एप्लीकेशन प्रीव्यू करूँगा। अगर कभी कभी होता है कि सर्वर जैम होने से तो ये पेज ओपन नहीं होता है। देखिए ये फॉर्म 8 है, फॉर्म 8 फिलअप हो चुका है, यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ है, पोल नंबर, सीरियल नंबर, एपिक नंबर, क्या चेंज कर, क्या करेक्शन कर रहे, उस सारा डिटेल्स इस फॉर्म 8 में होता है, यहाँ पे सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने से बाद आपको एक डिटेल्स आएगा, ठीक है, आपको एक रेफरेंस आईडी जनरेट होगा। रेफरेंस आईडी जब जनरेट होगा तो उसी से आपको चेकिंग करना है ट्रैक स्टेटस से कि देखिए हो चुका है सबमिटेड। अब यहाँ पे आप डैशबोर्ड में जाके देखिए सारा सबमिट हो चुका है, और ये जो आपने करेक्शन किया, करेक्शन आपका जो लोकल ऑफिस है, वीडियो ऑफिस जो भी आपका जो एरिया में जो ऑफिस है, तो उस ऑफिस से आपके पास कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाके वेरिफिकेशन करना है। और अगर जो मैं प्रोसेस दिखा, इस प्रोसेस से अगर करेक्शन नहीं होता है तो आपका, मैं जो पहले बताया कि फर्स्ट पेज में लेफ्ट साइड में सारा डिटेल्स था, करेक्शन 3 नंबर पॉइंट में करेक्शन था, उस प्रोसेस से आपको जाना है, उसके बाद सेम पेज ही आएगा। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।